मत है। मैडम उसको लेके आए। सारे के सारे गिरे हुए साले। खाएगा पोर्गी येचना वो बोल का भाई। हाँ दीदी यही है वो। जब मैं बस्ती में से जा रही थी तो मेरे पिछवाड़े चिमटी काटकर किमी काटकर बोला। अच्छा रजा भाई। मैडम मैडम वो मैडम वो क्या है ना मैडम उसको नींद में चलने की आदत है ना इसके लिए मैं चिमटी काट कर उसको उठा रहा था। उठा रहा था। अब जब मेरा डंडा उठेगा ना ना तो कुछ उठ पाएगा ना कुछ उठा पाएगा तू जब मारा चिमटी काट मिलिया। अंदर क्या हो रहा है? ये जो अंदर हो रहा है ना वो तो तेरे साथ भी होगा। अरे तू चिंता मत कर रघु तूने तो खाली पाकिट मारा है ना बाकी ये इंस्पेक्टर उर्मिला मार तोड़ कर भी बहुत डेंजर हो रहा था भाई। सौ कुन माफ कर देगी लेकिन किसी लड़की को छेड़ा या धोखा दिया ना तो समझो वो गया। ये मैडम का फोन। उठा उठा। हेलो जी मैडम तो बिजी है। कुछ बोलो ना। क्या अर्जेंट है मैडम आपका फोन। सेवा की माँ वो किरण करके कोई है मैंने मना किया लेकिन बोलती है कि अर्जेंट है तो। मैडम वो सलिया गर्म हो गया। छुआड़े में चिमटी निकालने का बहुत शौक है ना रे तेरे को। सब इंस्पेक्टर उर्मिला माटोड़कर बोलते इकड़े। कौन देखड़े? मैं किरण। काय पाइजे इंस्पेक्टर माटोड़कर मैंने सुना है कि आप मेरे जैसे प्यार में धोखा खाने वाले लोगों की आउट ऑफ की मदद करती हैं। 100% सही सुना है तूने। लगता है तेरे को अपन किसी ने धोखा दिया है। सलाम साहब उस हलकट का नाम पता बोल दे मैं देखती हूँ उसको। डीके नाम है उसका। तो उस साल से हमारा फेयर चल रहा था मैंने शादी की बात की तो साफ मुकर गया और अब तो मेरा फोन तक नहीं ले रहा। तो सीधे उसके घर पहुंच जाने का। जाना था मुझे पर बात यह है ना कि मेरे मम्मी डैडी हमारी शादी के खिलाफ है। मुझे घर में बंद करके रखा है। अगर टीके ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मेरे सोनिया ऐसा नहीं बोलते। खाली तेरे डीके को ना कोपचे में ले जाके समझाना पड़ेगा। मैडम वो सलिया अब तक अंदर ही है। निकाल दे और सुन अब लोग उठा दे। अब बोल उसका पता नंबर बोल जरा। ए करू मैं चालू इतनी पोपट के सूट पर रखकर भूल गया हूँ। जरा नजर रखना। कहीं किरण तो नहीं। हेलो कैन आई स्पीक टू मिस्टर डीके प्लीज। वो तो वैसे आप कौन बोल रही हैं? जी मेरा नाम करीना है। मैंने उनका बहुत नाम सुना है लेकिन मिलने का कभी मौका ही नहीं मिला। क्या प्लीज मिस्टर डीके को फोन देंगे? तो मैं ही मैं डीके बोल रहा हूँ। डीके? ओह वाओ मैं तो आपके डिजाइन की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं भी एक्चुअली इस साल मैं मिस भांडुप कंटेस्ट में हिस्सा लेने जा रही हूँ। भांडुप? और मैं चाहती हूँ कि मेरे कपड़े आप ही डिजाइन करें। करेंगे ना? हाँ जरूर करूंगा मैं तो करने के लिए बनाया गया हूँ। वैसे कंपटीशन जीतने के लिए कपड़ों की क्या जरूरत है? वही तो लेकिन फॉर्म पर लिखा है कि कपड़े कंपलसरी हैं। हाँ आजकल काफी स्ट्रिक्ट हो गए। तो ठीक है मैं अपना नाप देने के लिए आपके पास अभी आ जाती हूँ। इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। निकी और पूछ जल्दी आके दे दीजिए ना। I'll be waiting for you. Okay, then. Am I cool or am I cool? तो तू डीके बन गया? Yeah. You know how it is. मगर ये डीके है कौन? है कुछ रहा। एक बिचारी को अपने प्यार में फंसा के अब धोखा दे रहा है। मगर अब मैं देखती हूँ वो नालायक कैसे नहीं सुधरता। देख तू मेरी बात मान अगर उस लड़की को पता चल गया तो? अबे कैसे पता चलेगा यार उसने डीके को देखा तक नहीं है। अब उसके लिए मैं डीके हूँ। समझा कर यार थवा गरम है। इसलिए कह रहा हूँ जरा संभल कर खेल वरना हाथ जल जाएगा। मैंने तुझे नजर रखने को कहा था ना। सॉरी
अब इसे और पोपट दोनों को तू ही संभाल। बाय बाय डिवोर्स डीके, अपना शरीर ठीक है। Excuse me? Huh? Your keys. एक लड़की आएगी तेरी जिंदगी में जिसके दिल पर तिल होगा। So scandalous. कुछ कम नहीं है? मैनेज करना पड़ेगा। या सांप को बुला। ओके, अब सांप तो मैं हूँ। तू जी क्या? कोई शक? करीना? हाँ? शाहिद? आई मीन डीके, आइए ना, प्लीज कम इन, प्लीज। ओहो डरो मत मैं हूँ ना, मैं हूँ बेबी। नहीं 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 डरो मत इसका मतलब हमारी एक लेडी ऑफिसर जैसे ही उसे अपनी ओर आकर्षित करेगी हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। भाई प्लान तो अच्छा है लेकिन इस ऑपरेशन के लिए आपको 20 से 30 साल के बीच की ऑफिसर क्यों चाहिए? गुड क्वेश्चन मिस्टर कमिश्नर, बट यू वोंट अंडरस्टैंड। मुझे उसके अंदर कुछ संभावनाएं पैदा करनी पड़ेंगी जिनकी वजह से वो बलात्कार करने की कोशिश करे, और ये खास किस्म की भावनाएं तभी पैदा हो सकती हैं जब वो लड़की 20 या 30 साल के अंदर हो, और वो खूबसूरत होनी चाहिए, एब्सोल्युटली चार्मिंग एंड सेक्सी। लेकिन ऐसी भावनाएं तो किसी बड़ी उम्र की औरत को देख के भी पैदा हो सकती है डॉक्टर स्क्रूवाला। मैं आपकी बात नहीं कर रहा सर, मैं उस हत्यारे की बात कर रहा हूँ। ओह सर, यस सर, जैसे कि आपने कहा पुलिस डिपार्टमेंट से चुन चुन कर चार खूबसूरत लेडी ऑफिसर को मिलाया हूं। गुड, सारी 20 से 30 साल के उम्र के बीच की है ना? लगती तो है। Mm-hmm.
आइए सर, ये है इंस्पेक्टर फुले। फुले? हाँ। हेलो। ये है कांस्टेबल मासूम कुमारी। हेलो। आइए, ये है इंस्पेक्टर रूपमती। कौन? रूपमती। हेलो। आइए, और ये है इंस्पेक्टर कमसिंह गुप्ता। सर, ये सब पुलिस में? जी हाँ। आप सब जा सकती हैं। जाओ। और कोई नहीं है क्या? और है, आती होगी, लेकिन बहुत गरम दिमाग की है। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में उसे अब तक 56 के नाम से जाना जाता है। 57 नाम मना दे तेरा ही डीके जिसको मैंने ठीक किया है। अब वो कुछ और उठाए ना उठाए, तेरा फोन जरूर उठाएगा। ये कौन है? सर ये है उर्मिला मार तोड़ कर। उर्मिला मार तोड़ कर चलेगी? थोड़ी रिपेयरिंग करनी पड़ेगी बट चलेगी चलेगी। कमिश्नर साहब, अगर मैं पहनूंगी कपड़े कम और बोलूंगी वेलकम तो वो रेपिस तो क्या, कोई आम आदमी भी मेरे को नहीं छोड़ेगा। क्यों डॉक्टर स्क्रू वाला, नॉर्मल बात है ना? नॉर्मल? ये आदमी आपको नॉर्मल लगता है? लाइट्स ऑफ। देखिए, घड़ी पर नजर पड़ती अचानक उसे कुछ याद आता है और ये अपनी जान जोखिम में डालकर कहीं सही वक्त पर पहुंचना चाहता है। पर कहां? ये रहा उसका जवाब। ये जानता है कि एक लड़की यहाँ पर इसी वक्त रोज बैल्कनी में आती है। He has a timing for his perversion. देखिए देखिए, is this normal? मौला। आगे देखिए, इस लड़की को इस पोज में देखकर कोई भी आदमी एक्साइट हो सकता है सिवाय कमिश्नर साहब के। राइट सर। इस आदमी का दिमाग अश्लीलता की सारी सीमाएं क्रॉस कर चुका है। जब हवस की आग बढ़ती है तो देखिए क्या करता है। वो उसकी ओर बढ़ता है लेकिन लड़की की किस्मत अच्छी है, बच जाती है और वो हवस की आग बुझाने के लिए देखिए क्या करता है। देखिए, जब दिन दहाड़े ये सब कुछ कर सकता है तो रात के अंधेरे में क्या करता होगा। यही नहीं, इसका खेल यहाँ खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये बिल्ली के साथ खेल रहा है, लेकिन नहीं, इसका खेल कुछ अलग है। Is this normal, Miss Martodkar? Kutri chaap! Teri banduk to aajkal roz fire kar rahi hai yaar. Us din wo mercenaries wali. Aur aaj ye. Zyada mazak kiske saath aaya? Is wale ke saath. Details sunega? Of course yaar. Pata na? Wo bedroom mein aayi. Welcome to my pad. How's it? Mash. Mas hai na? मुझे पता था। बेडरूम में? वाओ। फिर उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसके छूने से तो जैसे मेरी दुनिया ही गोल घूम गई। फिर क्या हुआ? टांगे? तो तुम लोग टांगे में गए? अबे ये टांगा नहीं, उसकी टांगे इतनी खूबसूरत थी कि देखते मेरे से कसके पकड़ लिया। फिर वो अपने रेशमी बाल मेरे पास लाए, बड़े प्यार से मेरे चेहरे पर बिखराए, फिर मैं सच कह रहा हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। इंस्पेक्टर और मेरा मास्टर तो कुछ चुना लगाता है। कब बैठा मारू? वाओ। आगे क्या हुआ? फिर वो मुझे बाथरूम में लेके गए और बाथटब में हम तीन। तीन? मैं, वो प्लम्बर। पानी? पानी। यस। पानी। फिर क्या हुआ? पानी में हम दोनों लेटे रहे और मानो मेरे बदन में से करंट दौड़ने लगा। फोन बज रहा है। फोन?
हेलो डीके, किरण यहाँ, प्लीज देखो फोन मत रखना। हाँ किरण जी, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, लेकिन सच ये है कि मैं डीके नहीं हूँ। क्या तुम डीके नहीं हो? हाँ। तो डीके कहाँ है? डीके? अब वो कुत्ता कमीना आपको धोखा देके अमेरिका चला गया। डीके मुझे धोखा देके अमेरिका चला गया? हाँ। भूल गया वो जूहू वाले बंगले की रातें? जूहू का बंगला? मेरी मर्सिडीज की पिछली सीट पर किए हुए वादे? मर्सिडीज? सब भूल गया। किरण जी, अगर मैं डीके की जगह होता ना, तो मैं आपको कभी नहीं रुलाता, आपका साथ में कभी नहीं छोड़ता। सच? काश मेरे जैसा कोई आपकी जिंदगी में होता, काश। लेकिन क्या तुमने मुझे कभी देखा है? तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था। जब से तुम्हें देखा है किरण, मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, मेरे पैसों के पीछे नहीं हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे पीछे हूँ किरण। हाउ रोमांटिक, हमेशा मेरे पीछे ही रहना और तुम हमेशा मेरे आगे ही रहना। हाउ स्वीट, आई लव यू किरण। आई लव यू टू जानू। अरे सुन, हेल्प कर यार। आज से हमने मजदूरी करना बंद कर दिया। मतलब लाइफ बन गई यार। तू कहता था ना कि ब्लाइंड में मत खेल, आज ब्लाइंड में जैकपॉट लग गया। गाड़ी, बंगला, फ्लैट, किरण, सब एक साथ। कैसे? मैंने किरण को सेट कर लिया। बॉस की किरण? बॉस की थी, अब वो मेरी है। कल किसी और की होगी, ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। रात गई बात गई, याद है ना? तू निकल मजदूरी कर। अच्छा बाद में बोलना, बता समझाया नहीं? मैंने बोलना नहीं। क्या कर रही हो मिस मार तोड़कर? ऑपरेशन फेल के पहले दिन ही ऑपरेशन फेल करवाना चाहती हो? हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना है, नंगे हाथों नहीं। अरे पर ये तो देख। सुनो सुनो, प्लान के मुताबिक तुम सबसे पहले उसके घर जाओगे, ओके? लेट्स गो। पर उससे पहले तुम्हारा हुलिया बदलना होगा।